तो फाइनली लॉन्च हो चुका है रेडमी का 9 सीरीज का तीन नया स्मार्टफोन। जी हाँ, चाइना में तीन नया स्मार्टफोन रेडमी नोट 9 सीरीज में लॉन्च हुआ है, लेकिन इंडिया में आने वाला है रेडमी नोट 10 के नाम से। तो वीडियो में बने रहना, आज की इस वीडियो में रेडमी नोट 9 4G, रेडमी नोट 9 5G और रेडमी नोट 9 प्रो के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं, जो बहुत ही कमाल का फोन होने वाला है। तीनों फोन जो बहुत ही धमाकेदार स्पेक्स के साथ में आते हैं और आपको ना चाइना में धूम मचा रहे हैं, और इंडिया में यही आपको Redmi Note 10 सीरीज के नाम से आएगा। Redmi Note 10 4G, Redmi Note 10 5G और Redmi Note 10 Pro 5G, जो बहुत ही क्रेजी स्पेसिफिकेशन लेके आने वाला है। और प्राइसिंग ना 10,000 के अंदर से स्टार्ट होता है, जो आपको मैक्स टू मैक्स 20,000 के अंदर ही रहता है, जिसमें 108 MP का कैमरा, मैसिव डिस्प्ले, 244Hz का रिफ्रेश रेट और बहुत सारे अमेजिंग फीचर्स भी है। तो वीडियो में बने रहना और क्या, तो चलो फिर शुरू करें। तो फ्रेंड्स, आज टोटल चाइना में तीन नया स्मार्टफोन लॉन्च हुआ और बहुत ही कमाल के प्राइसिंग में लॉन्च हुआ है। सबसे पहले हम बात करते हैं रेडमी के नोट 9 5G के बारे में। जी हाँ, रेडमी नोट 9 5G एक सस्ता 5G फोन है, जो बहुत ही कमाल के प्राइसिंग में आपको देखने को मिला है। तो मिलता क्या है इस फोन में आपको? अच्छा, तो इस फोन में मिलता है 6.53 इंच का फुल HD प्लस वाला डिस्प्ले। हालांकि इसमें आपको 90Hz का पैनल नहीं यूज किया गया है, 60Hz का नॉर्मल पैनल है। पंच होल के साथ में आता है, जो टॉप लेफ्ट कॉर्नर में देखने को मिलता है। 13MP का इसमें आपको सेल्फी कैमरा यूज किया गया है। बात करें बैक कैमरा के ऊपर, तो इसमें आपको देखने मिलता है ट्रिपल कैमरा का सेटअप, जिसमें प्राइमरी कैमरा आपको 48MP का है, जो आपको सर्कुलर फॉर्मेट में देखने मिलता है। कैमरा का डिजाइन बहुत ही ज्यादा अच्छा निकल गया है। सेकेंडरी कैमरा 8MP का है और थर्ड कैमरा आपको 2MP का मिल जाता है। टोटल 3 रैम वेरिएंट आपको ये देखने को मिलता है, 4GB, 6GB और 8GB के साथ में, जो बहुत ही अच्छी बात है। बात करते हैं इस फोन के प्रोसेसर डिपार्टमेंट के ऊपर, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसमें आपको देखने मिलता है MediaTek का Dimensity सीरीज का प्रोसेसर, Dimensity 800U, जो बहुत ही कमाल के पावर के साथ में आता है, और इसका Antutu स्कोर भी बहुत ही कमाल का निकल के आया है। तो ये फोन आपको देखने मिलता है टोटल 2 रैम वेरिएंट में, 6GB की रैम, 128GB की स्टोरेज, 8GB की रैम, 128GB स्टोरेज और 8GB की रैम, 256GB स्टोरेज के साथ में, जो बहुत ही कमाल की बात है। अब बात करते हैं इस फोन के प्राइसिंग के ऊपर। सच में प्राइसिंग बहुत ही ज्यादा एग्रेसिव है। 6GB के रैम, 128GB का प्राइसिंग है 1299 yuan, जिसे इंडियन करेंसी में कन्वर्ट करें तो 14,000 होता है, जो बहुत ही ओपी प्राइसिंग रखा गया है। मतलब 15,000 के अंदर आपको 5G फोन देखने को मिल रहा है। इंडिया में आएगा आपको 15,000 तक ही देखने को मिलेगा, जो बहुत ही कमाल की प्राइसिंग है। मतलब इतना सस्ता 5G हो गया यार, लिटरली बहुत ही कमाल की बात है। तो कुछ इस तरह का आपको रेडमी का नोट 9 5G देखने को मिल रहा है। अब इसका बड़ा भाई भी आएगा और इसका छोटा भाई भी मैं बताऊंगा, वेट करो और क्या। तो बात करते हैं अपने अगले स्मार्टफोन के बारे में, जो है रेडमी का नोट 9 प्रो 5G। जी हाँ, ये है बड़ा भाई। इसमें आपको देखने को क्या मिलता है? इसमें आपको देखने मिलता है 6.67 इंचेस का मैसिव डिस्प्ले, जो आपको सेंटर पंच होल के साथ में आता है। साथ में डिस्प्ले आपको नॉर्मल पैनल नहीं है, 120Hz का आपको पैनल देखने को मिलता है रिफ्रेश रेट के साथ में। साथ में 240Hz का टच सैंपलिंग रेट भी सपोर्ट करता है, जो बहुत ही ओपी रहने वाला है। मतलब बहुत ही कमाल का आपको बटरी स्मूथ देखने को मिलेगा गेमिंग एक्सपीरियंस, और बाकी सब भी में आपको बहुत ही अच्छा रिफ्रेश रेट का भी सपोर्ट मिल जाएगा। मतलब डिस्प्ले आपको बहुत ही कमाल का मजा दिलवा देगा, जो बहुत ही अच्छी बात है। साथ में इसमें जो सेल्फी कैमरा है, वो आपको 16MP के साथ में आता है, जो सेंटर डॉट पंच होल में देखने को मिल जाता है। बैक कैमरा इसका सबसे हाईलाइटिंग है, जो बहुत ही ज्यादा कमाल का फोटोज क्लिक कर पाएगा, क्योंकि इसमें आपको 108MP का कैमरा देखने को मिलता है। और ये फोन की प्राइसिंग ना सच में 20,000 के अंदर है, वेट करो सब कुछ बताऊंगा। 108MP का प्राइमरी लेंस है, सेकेंडरी कैमरा आपको देखने मिलता है 13MP का, थर्ड कैमरा है 2MP का और लास्ट कैमरा है 2MP का। मतलब 2MP का इसमें भी कैमरा चिपका दिया गया है, लेकिन जो मेन लेंस है 108MP का, जो बहुत ही मैसिव रेजोल्यूशन में पिक्चर्स क्लिक कर देगा, और डिटेल ना मतलब भरा पड़ेगा, जूम करते रहो फोटो लेकिन फटने वाला नहीं है, जो बहुत ही अच्छी बात है, जो मेरे हिसाब से बहुत ही अच्छा रह सकता है, आपके फोटो को नेक्स्ट लेवल में करवा सकता है क्लिक ये फोन के साथ में। इस फोन आपको मिलता है 4820mAh का बैटरी, मतलब 20mAh क्यों छोड़ दिया, मतलब मान सकते हो 5000mAh का बैटरी है, जो 33W के फास्ट चार्जिंग के साथ में आता है। अब बात करते हैं प्रोसेसर डिपार्टमेंट के ऊपर, कि कौन सा प्रोसेसर इसमें यूज किया गया। इसमें यूज किया गया है स्नैपड्रैगन का प्रोसेसर, स्नैपड्रैगन का 750G का प्रोसेसर, जो एक बजट 5G प्रोसेसर है, जो बहुत ही अच्छी बात है। स्नैपड्रैगन के 765G के जितना पावरफुल आप मान सकते हो, थोड़ा मोड़ा ऊपर नीचे होगा, लेकिन 750G उतना ही मान लो बहुत ही कमाल का पावर निकाल के दे देगा, और इसका Antutu स्कोर भी बहुत ही अच्छा निकल के आया है। इस फोन की प्राइसिंग के ऊपर बात करें, तो इसका बेस वेरिएंट स्टार्ट होता है, जो बहुत ही सस्ते में स्टार्ट होता है,
प्राइस बताऊं तो ये भी फोन आपको देखने मिलता है टोटल 3 रैम वेट में, 6GB की रैम, 128GB स्टोरेज, 8GB की रैम, 128GB स्टोरेज और 8GB की रैम, 256GB की स्टोरेज। बात करते हैं बेस वेरिएंट के प्राइसिंग के ऊपर तो 1599 UR मतलब 1599 UR में आपको ये देखने को मिल जाएगा, और इसे इंडियन करेंसी में कन्वर्ट करें 17,000-17,500 में आपको ये फोन पड़ेगा, मतलब 20,000 के अंदर ही आएगा, जो बहुत ही क्रेजी बात है। इंडिया में ये फोन आएगा अंडर 20,000 में आपको देखने को मिल जाएगा और इंडिया में हिला देने वाला है, जो बहुत ही कमाल की बात है। डेफिनेटली ये फोन इंडिया में आने वाला है, चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि ऐसे अपडेट आपको फ्यूचर में मिल जाए। और हाँ, घंटी बटन को टन से दबाना मत भूलना, ताकि अपडेट मिलना है ना, दबाओ और क्या। तो ये फोन आपको डेफिनेटली आने वाला है, और ये आने वाला है आपको Redmi Note 9T के नाम से, या आपको Redmi Note 10 सीरीज के नाम से आएगा। स्टे ट्यून रहो, मैं सब अपडेट कर दूंगा। अब बात करते हैं Redmi Note 9 सीरीज के सबसे सस्ते फोन, मतलब छोटे भाई के ऊपर, जो है Redmi Note 9 4G, जो आपको बहुत ही सस्ता लॉन्च हुआ है 999 UR में, जिसे कन्वर्ट करिए 10,000-11,000 होता है, जो बहुत ही डिसेंट है, इतना मुझे खास नहीं लगा इसलिए इसे मैं लास्ट में रखा हूं। तो बात करते हैं इसमें कुछ बेसिक स्पेक्स के ऊपर, तो इसमें आपको देखने मिलता है 6.53 इंचेस का डिस्प्ले, जो आपको वाटर ड्रॉपलेट नॉच के साथ में आता है। हालांकि इसमें इतना कुछ खास नहीं है, नॉर्मल फोन है, इतना ज्यादा कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इसमें चीज नहीं किया गया है। नॉर्मल फोन आपको देखने मिलता है जो आपको वाटर ड्रॉपलेट नॉच के साथ में आता है। इसमें आपको देखने मिल जाएगा 13MP का सेल्फी, बैक में आपको ट्रिपल कैमरा मिल जाता है 48MP का, साथ में आपको आता है ये 6000mAh की मैसिव बैटरी के साथ में, जो सबसे हाईलाइटिंग फीचर है इस फोन का, मतलब ज्यादा बैटरी आपको इस फोन में देखने को मिल जाएगा। साथ में बात करें प्रोसेसर डिपार्टमेंट के ऊपर, तो इसमें आपको देखने मिलता है स्नैपड्रैगन का 662 का प्रोसेसर, जो बहुत ही डिसेंट प्रोसेसर है, अच्छा खासा रह सकता है। इंडिया में आपको 10,000 के अराउंड ही फोन लॉन्च होगा, अगर लॉन्च होता है, मुझे नहीं लगता ये फोन लॉन्च होगा, ये साइज हो सकता है Redmi के 10 सीरीज के साथ में लॉन्च हो, Redmi 10 हो सकता है ना, वो लॉन्च हो सकता है। Redmi Note 10 के नाम से इसे लॉन्च करने का मतलब बनता नहीं है, क्योंकि प्रोसेसर में इतना दम नहीं है, हो सकता है लॉन्च हो लेकिन प्रोसेसर चेंज हो जाए, ये तो समय की बात है, देखते हैं क्या होता है। लेकिन हाँ, Redmi ने लॉन्च किया है Redmi 9 सीरीज चाइना में, जो टोटल 3 नए फोन के साथ में आता है। सबसे मुझे अच्छा लगा है Redmi Note 9 Pro 5G, जो बहुत ही कमाल का, मतलब 108MP का कैमरा, 120Hz का रिफ्रेश रेट, बहुत ही OP फोन है, और वो भी 17,000 में, और क्या चाहिए। तो कुछ इस तरह का टोटल 3 नया फोन आया, कैसा लगा आपको ये फोन जरा कमेंट करके जरूर बताना, और तीनों में से कौन सा फोन आपको बेस्ट लगा वो भी कमेंट कर देना। तो वीडियो पसंद आया, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, और हाँ, घंटी बटन को टन से दबाना मत भूलो, मतलब दबा दो यार और क्या। तो ठीक है व्यूअर्स, मिलते हैं, मिल करते हैं अपने ऐसे किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हाई फाई।